के रनोला इलाके के कोटला बिहार स्थित नशा मुक्ति केंद्र पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। जी हां, नशा छुड़वाने के लिए रनोला स्थित कोटला विहार स्थित हेल्थी लाइफ फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र पर मृतक नसरुद्दीन के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के मुताबिक नसरुद्दीन को नशे की आदत थी और इसके चलते नशा मुक्ति केंद्र में उसको भर्ती कराया गया था, लेकिन संदिग्ध हालत में नसरुद्दीन की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि नसरुद्दीन की बेहद नरसंग तरीके से पिटाई की गई जो कि उसकी मौत की वजह बन गई। परिजनों के आरोप पर पुलिस का रवैया भी उदासीन है। पुलिस कार्रवाई से परिजन संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। अगर उनकी बात मानी जाए तो नसरुद्दीन की रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से उसकी मौत हुई थी। फिलहाल पुलिस ने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करी, उसके बाद मौत की असल वजह जो है वो पता चल पाएगी। मैं पंकज चौरसिया द्वारका सेक्टर 16A जजय कॉलोनी द्वारका से बोल रहा हूँ। मेरे छोटे भाई नसरुद्दीन सनौफ कल्लू खान को हेल्दी नशा मुक्ति केंद्र में 5 तारीख को भर्ती कराया था और 7 तारीख को नसरुद्दीन की वाइफ रेशमा गई उनसे मिलने के लिए, तो मिलने नहीं दिया और बोला कि जो सामान लाया हो सामान दे दो और बाद में मिलना। फिर वो सामान दे करके वापस चली आई और 9 तारीख को सुबह में 9:15 पे फ़ोन आया कि नसरुद्दीन की तबीयत ख़राब है। उसके बाद रेशमा और मैं और रानी तीनों हम गए वहाँ पे, तो देखे कि वहाँ पे नसरुद्दीन फर्श पे लेटा हुआ था, मौत हो चुकी थी उनकी, मेरे जाने तक मौत हो चुकी थी। और जब हम उनसे पूछे तो वो बोला कि ये 3:30 दौरा पड़ा था, तो हम पूछे 3:30 हमें क्यों नहीं बोले, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब मेरे से गलती हो गया और दौरा आया था और उनकी मौत हो गई, मैं हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल जाने में मौत हो गई। फिर मैंने पूछा कि जब रात में हमें फ़ोन क्यों नहीं किए, उन्होंने बोला मेरे से गलती हो गई। फिर मैंने वहाँ पर 100 कॉल किया, 100 पुलिस आई और वहाँ पर वो बोलने लगा कि भाई साहब 100 कॉल मत करो, 1-2 लाख रुपए ले लो और रफा दफा करो मामले को। मैं बोला भाई तुमने मार दिया जान करके, मैं कैसे मामला रफा दफा कर सकता हूँ। फिर क्राइम ब्रांच वाले आए और उन्होंने जांच पड़ताल की तो पीछे पीठ की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई और उस पर डंडे से जो मारा था उसका निशान मिला। फिर उसके बाद उसी के तहत थाना से पुलिस आई और उसको दीनदयाल हॉस्पिटल ले गए पोस्टमार्टम के लिए, मेडिकल करवा करके पोस्टमार्टम हुई और वो तीनों की गिरफ्तारी करवाए नशा मुक्ति केंद्र वाले विकास हांडा की। और शाम को आए फिर उसको दफनाया गया, नसरुद्दीन को दफना करके फिर जब हम थाने गए तो वहाँ उस IO से पूछा कि वो सबको जो गिरफ्तार किए थे वो कहाँ हैं, तो बोले कि हमने उसको जांच पड़ताल करके छोड़ दिया और जब PM रिपोर्ट आएगा 1 महीने में फिर उसको मैं गिरफ्तार करूँगा। मैं बोला भाई साहब आपने कैसे छोड़ दिया उसको, जब आप देखे कि मेडिकल है सब कुछ है।